फ्रेंड्स फैमिली को माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। और ये देखिए, ये मैंने आज रशियन सैलड बनाना है, उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो ये रही सारी। मैंने 3 एप्पल लिए, इनको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिए इस फॉर्म में, ये देखिए इस फॉर्म में काट लिए, ठीक है। ये मैंने कीवी ली है, इसको भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और ये मैंने चीकू लिए हैं और इनको भी छोटा छोटा पीस में काट लिया है। ये देखें, ये बनाना है और ये भी मैंने 3 लिए थे। और ये मैंने एक ऑरेंज लिया है, इसको गोल काट के और इसके ये छोटे छोटे स्लाइसेस आपने निकालने हैं इसमें से। और इसके साथ मैंने ये शुगर लिए, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये 5 से 6 चम्मच होंगे। जब आप इसको ब्लेंड करेंगे ना तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। इसको आपने बिल्कुल फाइन ब्लेंड करना है। और ये क्रीम, और मैं ये यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डेरी मिल्क की, ऑलपर्स की, कुछ भी जो आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और फ्रूट भी आपके पास घर में अगर एक फ्रूट है आप उसकी भी ये रिफिन सैलड बना सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने ये लिए अजवा खजूर है, मेरे पास थोड़ी सी पड़ी थी तो मैंने ये काट लिए। और साथ में ये सोगी है और ये थोड़े से क्या उसको बोलते हैं पिस्ता है, और ये कैश्यू है, और इसको भी मैंने ऐसे काट लिया है। ये देखें, ये मेरे ना कैश्यू वो दूसरे हैं जो होते हैं ना नमकीन है। और ये बादाम आलमंड्स, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। अभी ये रह गए, इसको भी मैं बारीक बारीक काट के फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट में सारे इंग्रेडिएंट्स आएंगे इसमें। चलें, अब इसका जो पहला काम है इसको कैसे बनाना है, और साथ में ये भी जाएगा, ये कंडेंस्ड मिल्क है, ये देखें, ये पोलाक कंपनी का है। और भी कोई कंपनीज हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, आपका अपना वो है टेस्ट। और अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करेंगे तो फिर भी आपका रशियन सैलड चीनी से भी बन जाएगा। इसमें कुछ इस तरह का नहीं है कि आप इसमें ये डालेंगे तो फिर ही आपका रशियन सैलड अच्छा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक पिंच आप साल्ट भी डाल सकते हैं और मैं तो डालती हूँ, और उसके साथ आपका जो इसका रशियन सैलड का टेस्ट है ना वो ख़राब कभी नहीं होगा। तो साथ एक पिंच आपने इसमें साल्ट डालना है और साथ में एक पिंच आपने ब्लैक पेपर भी ऐड करना है। उसका ये जो टेस्ट होता है ना रशियन सैलड का, ये सीक्रेट है, ये इतना मज़े का बनता है। फिर चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, मैंने इसमें क्रीम के दोनों डिब्बे खोल के इसमें डाल लिया है। ये ना बिल्कुल ब्लेंड होती है, आप इसको अगर और ऐसे ऐसे फेंटेंगे ना तो ये ज़्यादा वो हो जाएगी, थोड़ी पतली हो जाएगी। तो ये फिर पता क्या होता है, जैसे आप फ्रूट इसमें मिक्स करेंगे तो ये साथ ही इसका ना जो फ्रूट का पानी मिक्स होके ना ये थोड़ा ज़्यादा पतला हो जाएगा आपका भी टेक्सचर। तो ये देखिए, ये इसमें मैं डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। मैंने 5-6 चम्मच चीनी के भी लिए हैं, इसलिए कि मैं सिर्फ 1 चम्मच डालूँगी इसमें, अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। अगर आप इसको ज़्यादा मतलब थोड़ा शुगरी पसंद करते हैं तो आप थोड़ी चीनी ज़्यादा डाल लें उसमें, और मुझे थोड़ी लाइट पसंद है तो मैं अपने हिसाब से इसमें डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें 2-3 चम्मच और ऐड कर सकते हैं, और कुछ लोग तो इसमें शुगर ऐड भी नहीं करते हैं। वो उसका भी अच्छा होता है टेक्सचर, लेकिन अगर आप इस तरह ट्राई करेंगे ना तो ये आप वाकई में भूल जाएंगे फिर खाना, वो जो बगैर चीनी वाला होता है। तो ये देखें, मैं इसको एक साइड पे रख दूँ। हाँ जी, तो ये देखें, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जाएगा 1, ये देखें 1 पिंच के बराबर साल्ट, ठीक है। और ये देखें, 1 ही पिंच इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर की। ये आपके सामने सारी चीजें ऐड कर रही हूँ मैं, ये देखिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें।
ड्रिंक्स हो गए। अब इसमें हम ये जो हमने चीनी को ब्लेंड करके रखा है ना, तो ये इसमें डाल देंगे। ये हाफ मैं अभी डालूंगी, हाफ इसमें जब सारे फ्रूट्स ऐड कर दूंगी ना फिर डालूंगी। अच्छा, अगर कोई शुगर का पेशेंट है ना तो आप लोग इसमें चीनी ना ऐड करें, उनके लिए आप चीनी के बगैर भी मतलब डाल सकते हैं सारे फ्रूट इसमें, क्योंकि फ्रूट में भी शुगर होती है। अभी मैंगो का सीजन स्टार्ट होने वाला है तो मैंगो से ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है। ये देखिए, वन बाई वन हम इसमें सारे फ्रूट अपने शामिल कर देंगे। इसमें बनाना ऐड कर दिया, अभी मैं इसमें डालूंगी ये एप्पल है और इसके बाद इसमें कीवी डालूंगी। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतने प्यारे कलर में फ्रूट पैदा किए हैं, इतने यमी लगते हैं देखने में। हालांकि मैं जरा कम ही फ्रूट खाती हूँ, लेकिन इनके कलर आप देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, ये हम लास्ट में इसमें शामिल करेंगे इसके ऊपर गार्निशिंग में। अब ये देखें, अब ये चीनी इस पे बढ़ाएगी। ये आप इसको एक दफा में नहीं डाल सकते हैं चीनी को ना, क्योंकि ये फिर फौरन से ना, आप इसमें चीनी बाद में थोड़े से शामिल करें ना, ताकि ये इसमें फ्रूट में भी थोड़ी सी मिक्स हो जाए। ये देखिए, क्योंकि हमने उसमें पहले भी ऐड कर दी थी ना, इस वजह से। देखिए, और क्रीम अगर आप एक डिब्बा यूज करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आप फ्रूट ले लें, और अगर आप दो डिब्बे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप उसके हिसाब से फ्रूट ले लें। ये आपका अपना अपना वो उस पर है कि आप कितना मतलब बनाना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, अब इसमें ये मैं थोड़े थोड़े करके ड्राई फ्रूट शामिल करूंगी। ये मैंने कैशियो डाल दिए हैं, अभी मैं इसमें हाफ एलमंड्स डालूंगी। ये देखें, इसमें हाफ ये जाएगी अजवा खजूर है, डेट्स, और ये देखें ये इसमें चला गया। अब ये लास्ट में जो फ्रूट बच गए ना, और ये भी, ये हम गार्निशिंग में ऐड करेंगे। चलिए मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत यमी लग रहा है देखने में भी, और खाने में भी बहुत यमी होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, और कल मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, कल फिर एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।